Hello and welcome dear students on my YouTube channel Enjoy Learning with Neelam. Today we are going to discuss chapter 3 of class 7, that is chemical substances and processes. So let us read and understand the chapter. In the previous class we have learned some basic facts about matter and its nature. Matter exists in three states, solid, liquid and gas. मैटर के कुछ बेसिक फैक्ट्स के बारे में आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, जैसा कि मैटर थ्री स्टेट्स में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है. ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. सारे मैटर स्मॉल पार्टिकल्स के बने होते हैं जिसको एटम कहते हैं. एटम कम्बाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स. एटम्स कम्बाइन होकर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं. Materials which are made up of same kind of particles, that is same atoms or molecules, are called pure substances. ऐसे materials जो same तरह के atoms या same type of molecules के बने होते हैं उनको pure substances कहते हैं. Pure substances can be further classified as elements and compounds. Pure substances को दो भागों में बांटा जाता है, elements and compounds. What is element? An element is a pure substance which is made up of atoms of same kind. For example, iron is an element which is made up of iron atoms. Element एक ऐसा pure substance है जो केवल एक ही तरह के atoms का बना होता है, जैसे iron iron के atoms से बना होता है. Second is compound. What is compound? A compound is a pure substance which is made up of molecules of same kind. Compound ऐसा pure substance है जो कि एक ही तरह के molecules का बना होता है. A molecule of a compound consists of atoms of two or more different elements that have combined in a fixed ratio. एक molecule में atoms दो या दो से ज़्यादा तरह के elements के atoms होते हैं जो कि एक फिक्स्ड रेशियो में होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज़ ए कंपाउंड मेड अप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. ईच मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन्स टू एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड टुगेदर. उदाहरण के लिए, वाटर एक ऐसा कंपाउंड है जो वाटर के मॉलिक्यूल्स का बना होता है, लेकिन वाटर का मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के एटम होते हैं. इन एडिशन टू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स वी ऑल्सो हैव मिक्सचर्स. एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के अलावा मिक्सचर्स भी होते हैं. ए मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस मिक्सड इन एनी प्रपोर्शन. मिक्सचर में दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिक्सड होते हैं किसी भी प्रपोर्शन में, यानी इनका प्रपोर्शन फिक्स्ड नहीं होता है. The components of mixture are not chemically combined with each other. Mixture के components एक दूसरे से chemically combined नहीं होते हैं. A mixture is therefore not a pure substance. Mixture pure substance नहीं होता है. Now here is an activity. Classify the following materials into pure substance and mixture. दिए गए मटेरियल्स को आपको प्योर सब्सटेंस मिक्सचर में क्लासिफाई करना है. एयर, एयर में आप देखते हैं कि ह्यूमिडिटी कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है. किसी जगह पे पोल्यूशन ज़्यादा होता है, किसी जगह पे कम होता है. तो इस कारण से एयर इज़ ए मिक्सचर. आयरन इज़ ए प्योर सब्सटेंस. वाटर इज़ ए प्योर सब्सटेंस. सॉयल अगेन इज़ ए मिक्सचर, क्योंकि सभी स्थानों का सॉयल एक जैसा नहीं होता है. लेमोनेड जिसे नींबू का शरबत भी कहते हैं, ये एक मिक्सचर है, क्योंकि कुछ लोग का लेमोनेड में शुगर की मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है, नींबू की मात्रा भी कम ज़्यादा हो सकती है. सो द कॉम्पोनेंट्स डू नॉट हैव द फिक्स्ड रेशियो, दैट्स वाई लेमोनेड इज़ ए मिक्सचर. गोल्ड इज़ ए प्योर सब्सटेंस. ऑक्सीजन इज़ ऑल्सो ए प्योर सब्सटेंस. नाउ लेट अस स्टडी अबाउट केमिकल सिम्बल्स. Chemical substances are often represented by symbols. Chemical substances को symbols के द्वारा represent किया जाता है. Earlier chemist, alchemist used pictorial symbols to represent different elements. पहले chemist
पिक्टोरियल सिंबल्स कुछ पिक्चर्स यूज़ करते थे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए. हाउएवर द सिंबल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर नाउ रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट. आजकल ये एलिमेंट्स के सिंबल इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं. द प्रेजेंट ए केमिकल सिंबल ऑफ सम एलिमेंट्स आर गिवन बिलो. कुछ एलिमेंट्स के केमिकल सिंबल्स आपको दिए गए हैं, जैसे हाइड्रोजन का H, सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Nb एंड एल्यूमिनियम का Al. इस तरह से आप इन सिंबल्स को याद कर लेंगे. सी देर आर डिफरेंट केमिकल्स एंड देयर सिंबल्स. नाउ वी विल स्टडी अबाउट केमिकल फॉर्मूला. द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए सब्सटेंस इज बेस्ड ऑन द कंपोजिशन ऑफ दैट सब्सटेंस. किसी भी सब्सटेंस का केमिकल फॉर्मूला उसके कंपोजिशन पे बेस्ड होता है, यानी वो सब्सटेंस किन किन चीज़ों को मिलकर बना है उस कंपोजिशन पे बेस्ड होता है. इट इंडिकेट्स द टाइप एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच काइंड प्रेजेंट इन दैट सब्सटेंस. ये केमिकल फॉर्मूला सब्सटेंस में कौन कौन से एटम्स और कितनी संख्या में वो एटम्स मौजूद हैं उसके बारे में हमें इंडिकेशन देता है, जानकारी देता है. फॉर एग्ज़ाम्पल द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज़ रिटन एज H2O. वाटर का केमिकल फार्मूला है H2O, जिसका मतलब है कि इसमें दो एटम्स हाइड्रोजन के होते हैं और एक एटम ऑक्सीजन का होता है. इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फार्मूला होता है CO2, जिसमें एक एटम कार्बन का होता है और दो एटम्स ऑक्सीजन के होते हैं. हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला. केमिकल फार्मूला को कैसे लिखें. टू राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ ए सब्सटेंस द केमिकल सिंबल्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर रिटन एंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज रिटन एज अ सबस्क्रिप्ट टू द राइट साइड ऑफ द इट्स सिंबल. किसी भी सब्सटेंस का केमिकल फार्मूला लिखने के लिए वो जो जो एटम्स का बना होता है उन एटम्स को लिखते हैं, और साथ ही एटम्स की संख्या कितनी है उसको हम उसी के राइट साइड में एज अ सबस्क्रिप्ट ऑफ द सिंबल लिख देते हैं. फॉर एग्जाम्पल नाइट्रिक एसिड कंटेन्स वन एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ नाइट्रोजन एंड थ्री एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. नाइट्रिक एसिड में हाइड्रोजन का एक एटम, नाइट्रोजन का एक एटम एंड ऑक्सीजन के थ्री एटम्स होते हैं. द केमिकल फार्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड इज देयरफॉर रिटन एज HNO3. इसलिए नाइट्रिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला होता है HNO3. सिमिलरली ग्लूकोज कंटेन्स 6 एटम्स ऑफ कार्बन, 12 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 6 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. ग्लूकोज में कार्बन के 6 एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन के 12 एटम्स होते हैं एंड ऑक्सीजन के भी 6 एटम्स होते हैं. इसलिए ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12NO6. मैनी सब्सटांसेस आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स. बहुत सारे सब्सटांसेस पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स के बने होते हैं, जिसको आयंस कहा जाता है. वॉट आर आयंस. आयंस आर द पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स. लेट अस लर्न टू राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ सच सब्सटांसेस. For this, we need to know the symbols and charges of different ions present in the given substances. किसी भी substance का chemical formula जानने के लिए हमें उन chemical symbols के या उसके atoms के molecules के हमें charges को जानना जरूरी होता है. Now let us see the charges. Sodium Na+, magnesium Mg2+. प्लस का मतलब होता है कि ये पॉजिटिव आयंस हैं. सो दीज आर द सिंबल्स एंड देयर चार्जेस. यू कैन सी हेयर आर नेगेटिवली चार्ज आयंस. क्लोराइड Cl-, ऑक्साइड O2-. दीज आर नेगेटिवली चार्ज आयंस. आपको इन्हें भी याद कर लेना है. In the name of a chemical substance made up of a positive and a negative ion, generally the name of the positive ion is mentioned first for
फॉलोड बाय द नेम ऑफ द नेगेटिव आयन। जब भी हम किसी सब्सटेंस का केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं जो कि पॉजिटिव या नेगेटिव आयन को मिलाकर बनाया होता है, तब हम पॉजिटिव आयन को पहले मेंशन करते हैं और नेगेटिव आयन को उसके बाद। फॉर एग्जांपल, द केमिकल नेम ऑफ कॉमन साल्ट इज सोडियम क्लोराइड। कॉमन साल्ट का केमिकल नेम होता है सोडियम क्लोराइड। हेयर द नेम ऑफ पॉजिटिव आयन सोडियम इज मेंशन फर्स्ट एंड द नेम ऑफ नेगेटिव आयन क्लोराइड इज मेंशन आफ्टरवर्ड्स। इन द केमिकल फॉर्मूला ऑल्सो द सिंबल फॉर द पॉजिटिव आयन इज रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय द सिंबल ऑफ द नेगेटिव आयन। इसमें पॉजिटिव आयन को हम पहले लिखते हैं और नेगेटिव आयन को उसके बाद। जैसे सोडियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl, ना कि ClNa। ClNa गलत है, इसका करेक्ट केमिकल फॉर्मूला है NaCl। वी नाउ समराइज बिलो द प्रोसीजर फॉलोड फॉर राइटिंग द केमिकल फार्मूला ऑफ ए सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के केमिकल फार्मूला को लिखने के लिए हम जिस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं वो इस प्रकार है। फर्स्ट इज सिंबल्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स आर रिटन एंड देयर चार्ज इज रिटन ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द सिंबल। पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स के सिंबल को लिखा जाता है और उसके चार्जेस को उसके टॉप राइट कॉर्नर पर लिखते हैं। सेकेंड पॉइंट इज कॉमन फैक्टर इफ एनी इज रिमूव्ड फ्रॉम द नंबर्स इन द चार्जेस ऑफ द टू आयन्स। अगर चार्जेस के जो नंबर हैं उनमें कोई कॉमन फैक्टर है तो उसे रिमूव कर दिया जाता है। थर्ड इज चार्ज ऑफ टू आयन्स आर क्रिस क्रॉस्ड। दीज क्रिस क्रॉस्ड नंबर्स आर नाउ रिटन एट द बॉटम राइट ऑफ द सिंबल्स ऑफ द टू आयन्स। दिस गिव्स अस द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस। चार्जेस आयन के चार्जेस को क्रिस क्रॉस कर दिया जाता है। पहले आयन के चार्ज को दूसरे आयन के बॉटम में लिख दिया जाता है और दूसरे आयन के चार्ज को पहले आयन के बॉटम में लिख दिया जाता है। ऐसा करने से हमें उस सब्सटेंस का केमिकल फॉर्मूला मिल जाता है। आइए इसको हम कुछ एग्जांपल्स के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज़ अबाउट सोडियम ऑक्साइड। इसमें जैसा कि प्रोसीजर हमने पढ़ा, सबसे पहले देखिए सोडियम एंड ऑक्सीजन के आयन्स और उसके चार्जेस को टॉप राइट कॉर्नर में लिख दिया गया। उसके बाद इसके चार्जेस को क्रिस क्रॉस कर दिया, यानी हमारा केमिकल फॉर्मूला हो जाता है Na2O। O के बाद 1 होना चाहिए लेकिन 1 हम नहीं लिखते हैं, 1 इज अंडरस्टूड। तो सोडियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला होता है Na2O। सेकेंड यहाँ है अल्यूमिनियम सल्फेट। अल्यूमिनियम एंड सल्फेट के चार्जेस को लिख देते हैं और फिर जब चार्जेस को क्रिस क्रॉस करते हैं तो हमारा केमिकल फॉर्मूला हो जाता है Al2SO4 whole thrice। थर्ड केस में कैल्शियम कार्बोनेट Ca2+ एंड Carbonate2-। अब यहाँ कैल्शियम एंड कार्बोनेट के चार्जेस में 2 कॉमन है और हमने प्रोसीजर में पढ़ा था कि अगर कोई कॉमन फैक्टर होता है तो उसको हम रिमूव कर देते हैं। कॉमन फैक्टर को रिमूव करने के बाद बचता है 1 और 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, वह अंडरस्टूड होता है। इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला होगा CaCO3। सो दिस वॉज ऑल अबाउट राइटिंग द केमिकल फॉर्मूलाज। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द केमिकल चेंजेस एंड बैलेंसिंग ऑफ केमिकल फॉर्मूलाज। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस मोर।